दुनिया को चौंका देंगे राजस्थान के जिला बाड़मेर के चुनावी नतीजे। राजनीतिक दिग्गजों को सख्ते में डाल देंगे। न विरासत में मिली राजनीति, न परिवार में कोई बड़ा नेता, फिर भी सिर्फ 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी ने सियासत के बदल दिए सारे समीकरण। आखिर क्या है रविंद्र सिंह भाटी का भोकाल जो कारवा बनाते जा रहे दमदार, चुनावी मौसम में दिग्गजों की थाम दे रहे सांस। राजस्थान का ये लाल करेगा कमाल, जीत के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ पूरे विश्व को कर देगा हैरान। जन जन की जुबान पर होगा रविंद्र सिंह भाटी का नाम। लोकतंत्र के इस महापर्व के दौर में राजस्थान की एक अलग तस्वीर सामने आई, एक ऐसी तस्वीर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े घरानों से आने वाले प्रत्याशियों की 26 साल के एक लड़के ने नींद उड़ा दी। गाड़ियों का काफिला, बंपर भीड़ को अपने साथ जोड़ा, समर्थन में खूब हंगामा भी हुआ। ये रविंद्र सिंह भाटी का भोकाल है जो सिर्फ बाड़मेर जिले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में दिखाई दिया और इसने कई दिग्गजों को सख्ते में डाल दिया। ये 26 साल का लड़का दशकों पुरानी राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा रहा है, इस चुनाव को लेकर उनके माथों पर बल ला दे रहा है। अपने समर्थन में इसने ऐसा माहौल बनाया है कि जनता को इसके आगे और कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी तो कहा जा रहा है कि राजस्थान के बाड़मेर से लड़ने वाला ये रविंद्र सिंह भाटी नाम का शख्स 4 जून के नतीजों से सबको चौंका देगा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने इस चुनावी मैदान में कदम रखा, अपना दमखम कुछ ऐसा दिखा दिया कि राजस्थान में सन्नाटा पसर गया। हर कोई जैसे रविंद्र सिंह भाटी के सामने राजस्थान को लेकर कोई दावा करने से भी कतरा रहा है। तभी तो देखिए ना, कहां भारत में निर्दलीय प्रत्याशियों की कोई खास कद्र नहीं समझी जाती, वहीं ये निर्दलीय प्रत्याशी सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी दोनों की नाक में जैसे दम किए हुए हैं। राजस्थान की बाड़मेर सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने उमेदराज बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक कर ही अपने प्रतिद्वंदियों को थर्रा दिया है। ऐसे माहौल में कहा जा रहा है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी जीतते हैं तो वो 12वें ऐसे सांसद होंगे जो राजस्थान से निर्दलीय लड़कर लोकसभा पहुंचेंगे। हालांकि इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी के नाम के साथ और भी कई उपलब्धियां जुड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने तो एक तरह से रविंद्र सिंह भाटी की जीत को पक्का भी मान लिया है। तभी तो दावा किया जा रहा है कि 26 साल का ये लड़का इस चुनाव में इतिहास रचने जा रहा है। राजस्थान के इतिहास को अगर खंगाले तो राजस्थान में 1952 से लेकर साल 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 ही निर्दलीय प्रत्याशी सांसद चुने गए हैं। जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा सांसद चुने गए हैं उनमें बीकानेर, जयपुर, दौसा, नागौर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, पाली और जालौर सीटें हैं। चलिए ग्राफिकली समझते हैं राजस्थान में निर्दलीय सांसदों का इतिहास क्या है। करणी सिंह 1952 से 1971 तक बीकानेर से सांसद। हरिश्चंद शर्मा 1957 में जयपुर से निर्दलीय सांसद चुने गए। जी डी सोमानी 1957 में नागौर से निर्दलीय सांसद बने। जसवंत राज मेहता 1952 में जोधपुर से निर्दलीय चुनाव जीते। कृष्णा कुमारी 1971 में जोधपुर से निर्दलीय चुनाव जीती। काशीराम गुप्ता 1962 में अलवर से निर्दलीय जीते। गिरिराज सिंह भरतपुर से 1952 में निर्दलीय सांसद चुने गए। जनरल अजीत सिंह 1952 में पाली से निर्दलीय तौर पर चुने गए। भवानी सिंह ने जालौर से निर्दलीय लड़कर 1952 में जीत दर्ज की। बूटा सिंह जालौर से 1998 में निर्दलीय चुने गए। किरोड़ी लाल मीणा 2009 में दौसा से निर्दलीय चुनाव जीते। हालांकि बाड़मेर से अब तक किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचने का दमखम नहीं दिखाया है, लेकिन इस बार लग रहा है जैसे रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और बाड़मेर से एक निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव जीत कर संसद पहुंचने वाला है। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशियों के इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो करणी सिंह 5 बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी इन सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर बाड़मेर से एक अलग अंदाज में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ी जनता को देखने के बाद उनकी जीत का ही अनुमान लगा रहे हैं। मतलब साफ है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में जीत के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हैं, वो इतनी काबिलियत रखते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 26 अप्रैल को राजस्थान के बाड़मेर में मतदान हो चुका है और रविंद्र सिंह भाटी ने भी मतदान करने के बाद दावा किया था कि इस बार नेता नहीं बेटा चुना जाएगा।